साथ मैं हूँ माधुरी कलाल, न्यूज रूम से टीवी पर पहली बार। जी हाँ, आपकी आंखों में रोज धूल झोंकी जाती है, रोज धोखा किया जाता है, आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है, इस तरह की खबरें आपने रोज देखी होगी। कई ऐसे धंधे हैं जो आपको फंसा रहे हैं, लेकिन आज टीवी पर पहली बार हम करेंगे एक बड़ा खुलासा, उस खबर की तह तक जाएंगे, रसाश तक जाएंगे। बने रहिए मेरे साथ। वो खबर जो आपकी आंखें खोल देगी, वो तस्वीर जो आपको बेचैन कर देगी, दिन दहाड़े बीच सड़क पर आपकी जेब पर डाला जा रहा है डाका, नजरों के सामने कटती है आपकी जेब, सिर्फ यूपी में ही नहीं पूरे देश में फैला है। चिप चोरी का काला साम्राज्य, ये खुलासा आपको डरा देगा। लखनऊ से लेकर पुणे तक, देहरादून से लेकर ठाणे तक, ये चिप आपको चूना लगाती है। तो एक ऐसी चिप जो आपको चूना लगा रही है, इस चिप की कहानी आपको सभी ने सुनाई होगी, इस चिप की कहानी आपको सभी ने दिखाई होगी, लेकिन जो तथ्य हम बताने वाले हैं वो टीवी पर पहली बार है। ये खबर आपको डराने वाली जरूर है, लेकिन आप डरिए और सावधान रहिए, क्योंकि अब ये खेल सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहा है, अब ये खेल पूरे देश में हो रहा है। क्या ये कोई नेक्सस है जिसका खुलासा होगा? क्या ये वो खेल है जो आपकी जेब पर रोज डाका डालेगा? पहले रिपोर्ट देखिए कि यूपी के सीमा से क्या है बाहर, और उसके बाद इस पर चर्चा। वो आपकी जेब में डाका डाल रहे हैं, वो आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में ये चिप आपको चूना लगा रही है। ये खबर आपको डरा देगी, क्योंकि जिसका डर था वही हुआ है। यूपी में जिस चिप ने आपकी जेब में छेद किया था, वो चिप न सिर्फ यूपी को डराती है, बल्कि पूरा देश इस वक्त इस चिप से डर रहा है। उत्तर प्रदेश में चिप लगाकर रिमोट के जरिए तेल चोरी के गोरख धंधे के तार अब महाराष्ट्र और उत्तराखंड से जुड़ गए हैं। यूपी एसटीएफ ने चिप और रिमोट के साथ महाराष्ट्र के पुणे और ठाणे से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने दोनों आरोपियों के पास से 170 रिमोट के अलावा 189 आरएस रिसीवर, एक लैपटॉप और 50 रिमोट सेल भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि ठाणे से गिरफ्तार विवेक हरिश्चंद्र शेट्टी चिप और रिमोट का सबसे बड़ा सप्लायर है। वहीं पुणे से गिरफ्तार अविनाश मनोहर नाइक के पास से भी रिमोट का चिप बरामद किया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले यूपी एसटीएफ ने अजय चौरसिया उर्फ राजू को डिस्पेंसिंग मशीनों में चिप इंस्टॉल करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला कि अजय ठाणे और पुणे से चिप मंगाता था। एक चिप इंस्टॉल करने के बदले में अजय 12 से 15 हजार रुपए तक लेता था। अजय ने पूछताछ के दौरान नाइक और शेट्टी के नाम बताए थे, इसके बाद ही यह कार्रवाई हुई। चूना लगाते इस चिप के तार सिर्फ महाराष्ट्र से जुड़े नहीं, बल्कि उत्तराखंड में भी इस चिप की आहट ने लोगों को डरा दिया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शिकायत के आधार पर कई पेट्रोल पंप में छापेमारी की गई, जिसमें एक पेट्रोल पंप सीज कर दिया गया। देहरादून के पेट्रोल पंपों पर लगातार घटतौली की शिकायतों के बाद प्रशासन ने जो छापेमारी की कार्रवाई की है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आज चार पेट्रोल पंप में कार्रवाई के दौरान ये पाया गया कि जो पेट्रोल है वो उपभोक्ताओं को कम दिया जा रहा था, और ख़ास तौर से जो इनके नोज़ल हैं जिससे ये पेट्रोल गाड़ियों में भरा जाता है, इसमें खामी पाई गई। इसके ज़रिए ही जितना पेट्रोल उपभोक्ता को मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलता, लिहाजा चार पेट्रोल पंपों में जब इस तरह की कार्रवाई की गई उसमें से दो ठीक पाए गए, जबकि जो एक पेट्रोल पंप था उसके एक मशीन के नोज़ल में शिकायत पाई गई। लेकिन ये जो आप पेट्रोल पंप देख रहे हैं ये पूरी तरह से सील कर दिया गया है, क्योंकि दोनों ही मशीनों में यहाँ पर खामी थी। डीएसओ और जिला प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की है। वहीं देहरादून डीएम का कहना है कि लगातार आ रही शिकायतों के आधार पर अलग अलग टीमों का गठन किया गया है, जिस पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
देखिए, एज अ कंज्यूमर हम कितनी क्वांटिटी हम लेने के लिए पैसा दे रहे हैं उतना क्वांटिटी हमको मिलना चाहिए. सो नहीं मिल रहा है तो गलत है. सो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है. इन केस आपका ये तो फर्स्ट टाइम चेकिंग है, उसमें जो उनका लीगल कार्रवाई क्या है वो करेंगे. इनकेस दोबारा भी इसको रिपीट करने के लिए रिपीट करने का संज्ञान में आ गया तो देन उसमें सीरियस कार्रवाई जो एज पर द लीगल प्रोविजंस उनके खिलाफ कर सकते हैं वो मैक्सिमम वो करवाएंगे. बताया गया है कि चेकिंग के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि ज्यादातर पेट्रोल पंपों ने पेट्रोल डालने वाले नोजल से छेड़छाड़ की है, जिसके बाद पेट्रोल पंप सीज करने की कार्रवाई हुई है. यानी सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देहरादून से लेकर ठाणे तक चिप चोरी के तार जुड़े हुए हैं. और ये आपको और हमको डराने के लिए काफी है क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक आपकी और हमारी जेब से है. ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया. तो रिपोर्ट देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है. टीवी पर पहली बार हम आपको ये दिखा रहे हैं कि आप सावधान रहिए, आप ये समझिए कि ये डाका आपकी जेब पे भी डल सकता है. खबर और माजरा पूरा आपको समझाएं. जहां महाराष्ट्र में दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसके साथ साथ देहरादून में एक पेट्रोल पंप को पूरी तरह से सीज कर दिया गया. लेकिन क्या इन दो लोगों की, जो दो प्यादे हैं, उनकी गिरफ्तारी से ये खेल रुकेगा या इस खेल का साम्राज्य और भी बड़ा है, इसे समझना होगा. इस वक्त हमारे रिपोर्टर हमारे साथ बने हुए हैं. देहरादून से खुर्रम शमशी मेरे साथ है और अनुभव शुक्ला लखनऊ से मेरे साथ बने हुए हैं. खुर्रम, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी क्योंकि देहरादून में कार्रवाई की गई, पेट्रोल पंप को सीज कर दिया गया, लोगों को इतनी दिक्कतें, लेकिन इस नेक्सस का खुलासा कब तक और अभी फिलहाल क्या अपडेट? देखिए माधुरी, यहाँ पर देखने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से यूपी सहित दूसरे राज्यों में इस तरह की कार्रवाई हुई है और जो चिप का खेल सामने आया है, उस तह तक अभी उत्तराखंड का जो अधिकारी है या फिर ये कहें कि जो जांच की टीमें हैं वो अभी तक नहीं पहुँच पाई हैं. अभी जो देहरादून की जो टीमें पहुँची थी पेट्रोल पंप में और उन्होंने जो कार्रवाई की है वो महज नोजल में खामी पकड़ पाए हैं और जिसके ज़रिए जो पेट्रोल डाला जाता था उसमें वो उपभोक्ता को पूरा पेट्रोल नहीं मिलता था. हम एक अगर उदाहरण के तौर पर अगर एक लीटर पेट्रोल लेते हैं तो उसमें 50 से 60 ग्राम जो तेल है वो कम जाता था उपभोक्ता की गाड़ी तक. तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर हम 70 रुपये पेट्रोल लीटर डलाते हैं, रुपए लीटर के हिसाब से पेट्रोल डलाते हैं, तो लगभग 3 से 4 रुपए का चूना एक उपभोक्ता को एक लीटर पेट्रोल में लगता है. तो पूरे दिन में कितने उपभोक्ताओं को कितने लीटर पर कितने लाखों रुपए का ये चूना हर रोज़ लगता होगा, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं. अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये चीज़ महसूस की जा सकती है कि जिस तरह से यूपी और दूसरे राज्यों में चिप का खेल सामने आया है, तो यहाँ की जो एजेंसियाँ हैं, यहाँ की जो टीमें हैं, यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको भी इस बात को गंभीरता से लेना होगा. और जो उनकी जांच है, जो छापेमारी की कार्रवाई है, वो नोजल तक नहीं, यहाँ तक कि इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो अन्य राज्यों में चिप का खेल खेला जा रहा है, कहीं वो उत्तराखंड में भी तो इस तरह का पूरा गोरखधंधा तो नहीं है. तो इसमें एक जो अधिकारी हैं उनको और तह तक जाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की यहाँ पर ज़रूरत है. और क्योंकि अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है माधुरी, कि चरण चरण मतलब रुक रुक कर ये कार्रवाई की जाती है. तीन दिन पहले कार्रवाई की गई थी, दो पेट्रोल पंप पर एक्शन लिया गया, फिर दो दिन का गैप दे दिया गया, आज कार्रवाई की गई, फिर आज एक पेट्रोल पंप सीज कर दिया जाता है. अगर कोशिश की जाती कि पूरे देहरादून के अंदर अलग अलग पेट्रोल पंप पर एक साथ छापेमारी की जाती, बड़े एक्शन पर कार्रवाई की जाती, तो बड़े स्तर पर कुछ होता तो शायद इसमें कुछ और खेल निकल कर सामने आता. लेकिन दुर्भाग्य यही है, विटंबना यही है कि आम जनता भुगतती रहे और जो बड़े अधिकारी हैं उन पर कोई गाज ना गिरे. हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी अधिकारी के शामिल होने की खबर अभी तक आई है, लेकिन आप खुद समझिए, क्या कोई कर्मचारी इस तरह का खेल बिना किसी संरक्षण के कर सकता है? लखनऊ से अनुभव मेरे साथ बने हुए. अनुभव, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या इतना बड़ा खेल शतरंज के मेन खिलाड़ी के बिना खेला जा सकता है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, बिना किसी खिलाड़ी के, बिना किसी मिली भगत के तो ये इतना बड़ा खेल नहीं खेला जा सकता. और इसका खुलासा कैसे हुआ, जब लखनऊ में एसटीएफ ने मास्टरमाइंड को पकड़ा, उसने ये खुलासा किया, उसने कहा कि पूरे प्रदेश में तकरीबन 1000 पेट्रोल पंप है जहां पर इस तरीके की चिप लगाई है, उसने खुद लगाई है. और एक जगह चिप लगाने के एवज में वो 20 से 25 हजार रुपए लेता था, लेकिन
कितने पेट्रोल पंपों पर कार्रवाई हुई है। लखनऊ की अगर बात करें तो पहले जब एस्केप छापे मारती थी तो पेट्रोल पंप को पूरा सीज कर देते थे, बाद में ये किया कि वहां पर जिस नोजल में या फिर जिस मशीन में चिप पाई जा रही थी केवल उसे अब सील कर रहे थे। आज हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर जो याचिका दायर हुई थी उस पर हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है, जो तेल कंपनियां उनको भी लगाई है और सरकार को भी फटकार लगाई है। ये साफ साफ कहा है कि आखिर एसटीएफ को क्यों हटा लिया गया, क्यों एसआईटी को ये जांच दे दी गई। हाँ। और अगर एक पेट्रोल पंप पर इस तरह की चोरी पाई जा रही है तो उसको पूरे पेट्रोल पंप को सील करना चाहिए। हाँ। पेट्रोल पंप सील हो रहे हैं तो आम लोगों को दिक्कत हो रही है। कोर्ट ने इस पर भी संज्ञान लिया, साफ साफ कहा कि डीएम को वो पेट्रोल पंप चलवाना चाहिए और अगर पेट्रोल पंप एसोसिएशन ये कहता है वो हड़ताल पर जाएंगे तो जिलाधिकारी इसको सुनिश्चित करे कि वहां पर आम लोगों को पेट्रोल मिले, इसमें कोई दिक्कत ना आए। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने तो सवाल खड़े ही कर दिए हैं जिस तरीके से एसटीएफ को हटा के एसआईटी को वहां लगाया गया, कहीं ना कहीं कोई जांच इस पर प्रभावित ना हो। इस वक्त मेरे साथ पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता साहब जुड़े हैं। केएल गुप्ता साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। अगर मैं सीधा सवाल करूं, मैं खुद एक आम इंसान हूं, अगर मैं पेट्रोल भरवाने जाती हूं तो मैं किस विश्वास पर पेट्रोल भरवाऊं कि मेरी जेब में डाका नहीं डाला जा रहा। क्या मैं ये मान लूं कि सचमुच आज पेट्रोल अधूरा मिल रहा है और एक्शन भी अधूरा ही हो रहा है? मैडम, जैसा कि आप सफर कर रहे हैं हम भी एक कॉमन सिटीजन की तरह, और ये 10 साल से खेल चल रहा है और 10-15 हज़ार करोड़ का इस तरह का एक घपला हो चुका है। इसमें सभी शामिल हैं, मतलब वो पेट्रोल पंप का ओनर मैनेजर वगैरह तो शामिल है ही, ऑयल कंपनीज जिनके कि इंस्पेक्टर्स आके देखते हैं और सील करते हैं पेट्रोल पंप को, हमारे डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर्स हैं और वेट्स एंड मेजर वाले। ये बिना इन सब की कराइवेंस से इतना बड़ा खेल 10 साल से नहीं चल सकता था। हम सब लोग इसके भुक्तभोगी हैं, हज़ारों करोड़, हम लोग 10-12% यानी हमको कम मिलता था पेट्रोल। तो इसमें तो जो पकड़े गए हैं, एसटीएफ ने बहुत अच्छा काम किया है, जो लोग पकड़े गए हैं उनके खिलाफ तो बहुत सख्त कार्रवाई, जनता में बहुत गुस्सा है कि शुरू में पहले दिन तो एसटीएफ ने पकड़ा और उसमें कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गए, मालिक मैनेजर वगैरह। इसके बाद से शायद कहीं से इशारा मिल गया ऊपर से, जहाँ से भी हो, कि मुकदमा लिखो, सील करते जाओ और कुछ चलता रहे, नोजल जैसे बताया जिसमें डिफेक्ट मिले वो चलाओ। तो ऐसा है कि पेट्रोल की सप्लाई तो इंश्योर करना चाहिए गवर्नमेंट को, पर जहाँ जहाँ नोजल्स इस तरह के फिटिंग मिली हैं और जहाँ पर टेम्परिंग हुई है उसमें ऑयल कंपनी के वहाँ के लोकल बॉसेज को पकड़िए, सप्लाई अफसर सब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई कैसी होनी चाहिए? अगर एसटीएफ ने खुलासा किया, एसटीएफ को हटाकर एसआईटी को लगा दिया गया, नहीं लगता कि जांच प्रभावित होती है इससे? हो सकता है इनकी वोट बैंकिंग पॉलिटिक्स हो, इनके फाइनेंशियर हो ये लोग, तो ये सब जनता को, हम जनता जवाब चाहती हो। हाईकोर्ट ने अच्छा इनको फटकार लगाई, पूछ रहे हैं, अच्छी बात है, अब हाईकोर्ट ही करेंगे। गवर्नमेंट आप जानते हो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के 1000 प्रेशर इन पे पड़ते हैं, ये फाइनेंशियल इनमें से बहुत से होंगे, बहुत से वोटर्स हैं, बिजनेस क्लास, तो ये सब चक्कर है। तो गवर्नमेंट को कहीं तो कहीं अपना बोना फाइट दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि नहीं, वी मीन बिजनेस, हम जब जो कह रहे हैं कचरी करने में कोई फर्क नहीं, हम इनको पकड़ेंगे और पूरा। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट की कितनी भूमिका है, डिपार्टमेंट की कितनी भूमिका है? ऐसा एसटीएफ ने तो खुलासा किया है सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो सब जगह जाके घूम घूम करे, तो एसआईटी दे दिया तो ठीक है, वहां पे एसटीएफ अपना काम करता रहे, व्हाई नॉट सप्लाई अफसर? अब डीएम कहते हैं साहब हमारे सप्लाई अफसर चेंज हो गए, एआरओ चेंज हो गए, क्या मतलब इसका? बिल्कुल, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। और हमारा सवाल भी यही है कि आम जनता की जेब पर डाका इस तरह कोई नहीं डाल सकता और हर चीज को आम जनता ना भुगते, क्या कुछ होना चाहिए और किसके भूमिका खास है? बिल्कुल, तो एक चिप आपको चूना लगा रही है, कोई क्राइम आपके पेट्रोल से जुड़ा है और आपको उसका ध्यान रखना होगा, आपको अलर्ट रहना होगा, क्योंकि अब वो सिर्फ एक सीमा में नहीं है, वो पूरे देश में फैला हुआ है, ऐसा समझा जा सकता है। इस वक्त मेरे साथ लखनऊ से मेरे रिपोर्टर अनुभव शुक्ला जुड़े हुए हैं। अनुभव, अगर हम बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में 6000 मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6316 वहां पर पेट्रोल पंप्स हैं। लखनऊ में ही सबसे पहले इस तरह की खबरें सामने आई थी, इस तरह के मामले पकड़े गए थे। क्या अभी तक उस पर कार्रवाई हुई है? और सच बताइए, जब कार्रवाई होती है तो सिर्फ कर्मचारियों की धरपकड़ क्यों, उसके ऊपर अधिकारियों तक हाथ क्यों नहीं पहुंच पाते? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि एसटीएफ ने जब छापे मारे थे सबसे पहले तो तमाम लोगों को ये यकीन नहीं हुआ कि वाकई रोज जहां वो पेट्रोल भराते थे वहां इस तरीके की
चिप से चोरी हो रही, लोग ये तो जान सोचते थे कि हाँ नोजल में कुछ ऐसा जरूर करते होंगे पेट्रोल पंप वाले कि पेट्रोल जरूर थोड़ा सा चोरी करते, लेकिन चिप लगाकर चोरी, एसटीएफ ने जब ये खुलासा किया तो वाकई लोगों को लगा कि हाँ इस तरीके से उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है और लंबे समय से हो रही है। शुरुआत में तो कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तारी हुई, लेकिन उसके बाद एसटीएफ के बाद एसआईटी बना दी गई और एसआईटी अब जहां जाती है वो ज्यादातर केवल एक मशीन को सील कर देती है और 6000 से ज्यादा पेट्रोल पंप है पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि जैसे जैसे वक्त बीतता गया कहीं ना कहीं कार्रवाई भी धीमे होती गई, स्पीड स्लो हो गई। अब किस वजह से हुई, देखिए ज्यादातर पेट्रोल पंप किन लोगों के हैं, जो राजनेता हैं या फिर उनसे जुड़े हुए लोग हैं, तो जो बात केएल गुप्ता जी कह रहे हैं कि शायद कहीं से इस तरीके का कोई दबाव आया, क्या उस वजह से इसकी जो जांच थी वो धीरी कर दी गई या फिर जो अधिकारी लगे थे उन्हें फिर किस तरीके के निर्देश दिए गए। और कोर्ट ने भी आज कहा है कि अगर पेट्रोल पंप पर पकड़ी जा रही है चोरी, चिप लगाकर पेट्रोल चोरी हो रहा है, तो आप उसके मालिक के खिलाफ भी एक्शन लीजिए, उन्हें भी अरेस्ट करिए, उन्हें गिरफ्तार करिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, दो चार कर्मचारियों को जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी है उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, उनको बुक कर दे रहे हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं इसमें देखा जा रहा है कि हाँ वाकई अधिकारियों की ओर से तो लापरवाही नहीं हो रही या फिर उन्हें कोई निर्देश दिए जा रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल जब चिप पकड़ी जाती है, रिमोट पकड़ा जाता है, उसके बाद उस चिप को बदल दिया जाता है और कार्रवाई उसके ऊपर ठप हो जाती है या ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। देहरादून से खुर्रम मेरे साथ है, देहरादून में भी कुछ इसी तरह की कार्रवाई हुई, लेकिन मेरा सवाल केएल गुप्ता साहब से है। गुप्ता साहब एक बात बताइए, कौन सा प्रोसीजर होता है जिस पर कार्रवाई करने में रोड़ा बने, क्यों इतनी बड़े घपले पे जो आम जनता को सीधे नुकसान पहुंचा रहा है कार्रवाई नहीं होती? जी नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, इसमें ऑयल कंपनी के जो इंस्पेक्टर, ऑयल कंपनी के जो लोकल एरिया ऑफिसर्स हैं, वो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, वेट्स एंड मेजर्स, इसके मालिक पेट्रोल पंप के मालिक, ये सब इन्वॉल्व हैं इसमें। इनमें सब पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा कायम होना चाहिए और इनको जरा NSA टाइप का और सीरियस जो मतलब देश की द्रोह की बातें हैं ये सब, हम सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। दस साल से 10-15 हज़ार करोड़ का इन्होंने चूना लगा दिया है। इन सब के नॉलेज में अब तो स्टॉक बढ़ा हुआ मिलता है तो क्यों नहीं देखता सप्लाई अफसर या उनका कंपनी का मालिक, ये सब पकड़े जा सकते हैं, पर ये चाहते नहीं है। पकड़े जा सकते हैं तो बड़ा जोश रहा, संदेहास्पद मानी जाए और किसकी भूमिका खास है, किसको एक्शन लेना होगा, एक अंतिम सवाल है मेरा भाई। इसमें बताया मैंने कि इसमें डिस्ट्रिक्ट प्रशासन से लगा करके इन सबको पकड़ना चाहिए, और मुझे ये लगता है क्योंकि गोसलों की, जैसा अभी मैंने भी बताया था, अभी हमारे आपके पत्रकार भी बता रहे थे कि गोसलों का कहीं से आदेश मिल गया, हो सकता है इन्होंने अप्रोच किया गवर्नमेंट में, आफ्टर ऑल बड़े भारी फाइनेंशियर हैं, सब पैसे वाले हैं, सब पॉलिटिकल फाइटर्स हैं, कहीं कुछ ना हर एक उसको मिला हुआ पेट्रोल पंप, मोस्टली पॉलिटिकल लीडर्स के पास है या टॉप ब्यूरोक्रेट्स की बीवियां बच्चों के पास हैं, तो कहीं ना कहीं दबाव पड़ा है कि इसमें गोसलो करो, ये हमारा वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, हमारा फाइनेंशियर्स हैं, तो इन सबको देख रहे हैं। ये कहें कि हर जगह पर जिसकी भूमिका है वो अपनी भूमिका छोड़ देगा और खामियाजा भुगतेगा सिर्फ आम आदमी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुभव आपका भी और खुर्रम आपका भी। कहीं ना कहीं आपका वास्ता सिर्फ पेट्रोल भरवाने को लेकर नहीं होना चाहिए, आपका वास्ता भी पेट्रोल शुद्ध है या मिलावट तो नहीं है इस पर भी होना चाहिए। इसलिए अलर्ट रहिए, सावधान रहिए और सतर्क रहिए। देखते रहिए जी हिंदुस्तान। नमस्कार।